नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लिपका अपडेट्स पर। आज हम लोग बनाएंगे पंजाबी स्टाइल राजमा। यूजुअली तो ये हर कोई बनाता है, लेकिन चलिए मेरे स्टाइल में आज इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने थोड़े से यहाँ पे टमाटर, एक बड़ा प्याज, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन ले लिया है। मैंने यहाँ पे एक कप राजमा को 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखा था। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसे 2 से 3 घंटे अगर गर्म पानी में अगर भिगो के रखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अब हमें प्रेशर कुकर में, मैंने यहाँ पे एक कप राजमा लिया है और उसके लिए हमें यहाँ पे 2 कप पानी डालना होगा। इसमें 2 तेज पत्ता भी डालेंगे और थोड़ा सा दालचीनी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हमें इसे करीबन 2 सीटी हाई फ्लेम पे पकाना है और 1 सीटी थोड़ा लो फ्लेम में। अब हम चलिए थोड़ा मसालों का पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो 2 बड़े टमाटर को ऐसे रैंडम पीसेस में काट के रखा है, उसके साथ लहसुन और 1 इंच टुकड़ा बड़ा अदरक लिया है, 2 ग्रीन चिली, थोड़ा सा जीरा और 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा। इसे हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। बहुत लोग प्याज को भी अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन अगर प्याज को आप ऐसे ही बारीक चॉप करके भुने तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमारा राजमा जो है वो भी अच्छे से उबल गया है। देख सकते हैं राजमा कितना अच्छे से उबला है। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े टेबलस्पून तेल लेंगे। इसमें हम करीबन 1/2 चम्मच जीरा देंगे। जीरे में जब अच्छे से चटक आ जाए तो 1 तेज पत्ता इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमने जो बारीक चॉप करके जो प्याज रखा था उसे भी डाल देंगे। आप चाहे तो प्याज पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से अगर बारीक प्याज काट के अगर उसका मसाला बनाते हैं तो मसाले का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं हमारा प्याज जो है कितना अच्छे से भून गया है। अब जो हमने ग्राइंड करके हमारा जो मसाला रखा हुआ था उसे हम डाल देंगे। अब मसाले को भुना हुआ प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे। राजमा बहुत ही अच्छा रेसिपी होता है। मुझे बहुत से अपने दोस्तों को पता है जिनका राजमा और राइस बहुत ही फेवरेट डिश होता है, इवन मेरा भी है। तो इसे करीबन हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला जो है कितना अच्छे से भुन गया है। तो अभी हम इसमें जितने सारे हमारे जो पाउडर मसाले हैं उसको हम डाल लेंगे। हमने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है तो इसे ज्यादा जरूरत नहीं है। आप अगर इसका रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसे हम अच्छे से मसालों को भून लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस थोड़ा सा। मसाले में इस तरह से थोड़ा सा पानी डालने से मसाले का जो बाइंडिंग होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। इसे वापस में हमें 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में पका लेना है।
अब देख सकते हैं हमारा मसाला जो है कितना अच्छे से बन गया है। अभी स्टेज में हमारा जो राजमा था उसे हम इसमें मिला लेंगे। देख सकते हैं हमारा राजमा जो है कितना अच्छे से उबला है। ध्यान रखें दोस्तों, राजमा जब भी आप उबालें पहले 2 सीटी हाई फ्लेम में उबालें, उसके बाद 1 सीटी लो में उबालें, तो राजमा जो है आपका वो बहुत ज़्यादा फटेगा नहीं और अंदर से जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल होगा। इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे पकाना है। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद हमारा राजमा जो है कितना अच्छे से पक गया है ना। ये बहुत ही आसान तरीका राजमा बनाने का। और लास्ट में हम इसमें कटा हुआ हमारा धनिया पत्ता को गार्निश कर लेंगे। धनिया पत्ता का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इस संडे इस राजमा को आप ज़रूर पकाइए और अपने राजमा चावल को आप एंजॉय कीजिए। अगर ये आपको रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिपिका अपडेट्स। थैंक यू।